पर आप देख पा रहे हैं जो डिजाइन हमने किया यहाँ से, पर का जो परत है इसको आपको निकाल देना है। देखिए ऐसा। तो हेलो दोस्तों, प्रणाम सलाम सत श्री अकाल जोहार। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है होंडा हॉर्नेट के ऊपर है। असल में क्या है कि कोई भी हॉर्नेट का जो बाइक होता है उसका जो ये फाइबर आप देख पा रहे हैं, ये फाइबर एक से डेढ़ साल दो साल के अंदर में इस टाइप में हो जाता है, एकदम ग्रे हो जाता है, कुछ दिन के बाद ये वाइट हो जाता है। और इसके ऊपर आप कोई भी पेपर चिपकाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये जो परत है सड़ जाता है ऊपर का परत, और ये बहुत आसानी से बाहर निकलता है, बालू की तरह ये झड़ने लगता है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको आपको कैसे रिपेयर करना है और इसको कैसे न्यू करना है इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया है, और ये ऊपर का परत बिल्कुल जमा हुआ परत जैसा बालू लगता है, कि बालू कैसे जमा हुआ रहता है उस टाइप से ही जमा हुआ है, उसी टाइप से इसका टैंक में भी हो जाता है। तो ये हॉर्नेट के बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। कई वीडियो में हमने इस तरह का जो है दिखाया है, लेकिन उतना डिटेल्स नहीं दिखाए थे, लेकिन ये वीडियो मॉडिफाई जब हम कर रहे थे तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काम आ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। कि सबसे पहले अगर ये जो परत है तो आपको इस तरह से कोई भी ब्लेड लेना है या फिर सलून का ब्लेड ले लेना है, और इस तरह से आपको इस तरह से खुरूचना है, खुरूच के इसको साफ करना है। इधर हमने बिल्कुल साफ कर दिया है, और ये ऊपर का जो परत है इसको आपको निकाल देना है। देखिए ऐसा, इस तरह से इसको बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से ब्लेड को पकड़ना है, और या सलून का ब्लेड आपके पास तो वो भी दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड, उससे भी आप कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। और ऊपर का जो भी परत है आप इसको बहुत आसानी से निकाल दीजिए, इस तरह से निकल जाएगा। तो दोस्तों इसको हमने ब्लेड से क्रूज करके इसके ऊपर का जो परत था व्हाइट परत उसको हमने निकाल दिया है, और ये अब प्योर प्लास्टिक ये आ गया है, और इसके ऊपर से अब हम रेप कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि आपको ये अगर आपका बाइक में ख़राब ना हो तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए जो है एंड में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी वाइट रेडियम लगा हुआ था, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है, और यहाँ पर भी डिजाइन देंगे, सॉरी यहाँ पर येलो लगा हुआ था, और इस साइड भी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर डिजाइन देना इसलिए ज़रूरी हो गया कि आप देख पा रहे हैं ये जो स्क्रैच है तो इस स्क्रैच को ढकना होगा। तो चलिए फटाफट इसको हम करके दिखाते हैं। यहाँ भी देख पा रहे हैं ये सब में भी आपको अगर करना होगा तो इसको भी आपको खुरच के निकालना होगा। तो ये और ये फाइबर आपका हमेशा न्यू रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा वीडियो के लास्ट में हम ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जितना भी वर्क दिखाया है ये सभी बाइकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस साइड में जो है हम डिज़ाइन लगा रहे हैं टैंक के पास, तो ये कोई भी बाइक में इस तरह की डिज़ाइन लग सकती है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो कहीं पर स्क्रैच आ जाता है या कुछ आ जाता है या फिर कलर फीका पड़ जाता है, तो आप इस टाइप का डिज़ाइन वहाँ पर लगा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मटेरियल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये विनाइल है, ये रेडियम नहीं है। और आप लोगों को एक बार फिर बता दें कि कभी भी कोई भी डिज़ाइन अगर आप अपने टैंक या फिर बाइक पर कहीं पर भी लगवाए तो रेडियम से ना लगवाए, आप वहाँ पर विनाइल से लगवाए, क्योंकि रेडियम जब ख़राब होता है तो वो निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलता है, और इसके वजह से आपका जो अंदर का पेंट है निकालने में वो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन विनाइल जो है वो आप अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो इसीलिए आप विनाइल का वहाँ पर इस्तेमाल करें। और विनाइल का एक ख़ास बात ये भी है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप स्क्रैच भी लगेगा तो वो थोड़ा सा मतलब मजबूत रहता है तो जल्दी से स्क्रैच उस पर नहीं लगता है, लेकिन रेडियम जो है वहाँ पर मतलब निकल जाता है और खुरदरा सा हो जाता है, इसीलिए रेडियम का वहाँ पर इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास और अहम जानकारी कि मेरे चैनल पे एक ऑफ़र चल रहा है कि हम अपने सब्सक्राइबर का जो बाइक है वो 3000 रुपये तक का मॉडिफाई हम उनको फ्री में कर देंगे, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि आप लोगों को मेरा जो चैनल का सभी वीडियो जो है देखा हुआ होना चाहिए, और वो हम पता कर लेंगे कि कैसे देखा हुआ होना चाहिए। अगर देखा हुआ नहीं रहेगा तो वो आप मतलब ऑफ़र से बाहर निकल जाओगे। और दूसरा शर्त ये है कि दोस्तों कि मेरा जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, मेरा इंस्टा आईडी भी जो है फॉलो किया हुआ होना चाहिए, फेसबुक पेज भी फॉलो किया हुआ होना चाहिए, तभी जा कर के आपकी जो बाइक है वो हम फ्री में मॉडिफाई करेंगे। 3000 रुपये तक की मॉडिफाई वो आपका फ्री में हो जाएगा। तो दोस्तों जो जो मेरे चैनल के सभी वीडियो पूरा देखा हुआ रहेगा तो उनके लिए जो है अलग से लॉटरी कराई जाएगी, और उनमें से जो है हर महीना एक बाइक सिलेक्ट किया जाएगा, एक लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी बाइक जो है फ्री में मॉडिफाई की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से बाइक का भी कंडीशन है कि आपके पास होंडा साइन होने चाहिए, होंडा SP बाइक होनी चाहिए, या फिर हीरो स्प्लेंडर होनी चाहिए, या फिर RTR होनी चाहिए 160 ये बाइक होनी चाहिए, या फिर NS 200 होनी चाहिए, तो इन सभी बाइकों की जो है मॉडिफाई फ्री में होगी। तो दोस्तों आप
लोगों को तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है। क्या पता आपका नंबर आ जाए और आपकी बाइक फ्री में मॉडिफाई हो जाए। तो दोस्तों वीडियो तो देखते ही हो, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस गेम में एक बंदा सिलेक्ट हो भी गया है, और उनकी मोबाइल में हमने चेक किया था, वो मेरा सभी वीडियो देखा हुआ है, कोई ऐसा वीडियो बाकी नहीं है जो कि उन्होंने पूरा नहीं देखा है। तो वो उनका बाइक जो है फ्री में मॉडिफाई होगी और आप लोग से मिलाएंगे भी उनको। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हो गया, और पहले कैसा था और अभी कैसा है, और हमने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको बता देंगे कि इसको आपको अगर न्यू से ही आपको हमेशा के लिए न्यू रखना है तो क्या करना था। तो आप कोई भी बाइक परचेज करें और उसमें अगर फाइबर हो, खास करके होंडा में, तो आप ये जो है रेप चढ़ा ले, या फिर लेमिनेशन चढ़ा ले, या फिर मेट ब्लैक चढ़ा ले, या फिर कोई भी पेपर ऊपर से चढ़ा ले, तो वो धूप से खराब नहीं होगा, अंदर आपका बिल्कुल न्यू रहेगा और जैसे पपड़ गया था वैसा नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डिजाइन हमने किया, यहाँ से ऐसा निकाला और ये निकाला, और ये सब जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ब्रेक ऑयल गिर गया था, इसकी वजह से ये ऐसा दाग आ गया है। तो ये बहुत खतरनाक केमिकल होता है, अगर आप ब्रेक ऑयल चेंज वगैरह करवाए तो वो बहुत सावधानी से करवाए, वरना आपका बाइक का कलर ख़राब कर सकता है। और ये जो हेडलाइट आप देख पा रहे हैं, तो ये हेडलाइट में अभी स्मोक करने वाले हैं, तो इस वीडियो में इतना ही दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में दिखाएंगे। अगर हेडलाइट रेड हो जाता है तो इसका उपाय तो बहुत कुछ है, लेकिन सिंपल सा उपाय है कि आप उसमें ग्रे स्मोक लगा लीजिए, वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।